गुड इवनिंग। आज हम जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे और कुछ क्वेश्चन हिमाचल जीके के और कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस के होंगे, और आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। रियोन इज केमिकली, रियोन रासायनिक रूप से क्या है? तो रियोन रासायनिक रूप से सेलुलोज है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द केल्विन स्केल इज, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। द कंपाउंड यूज्ड इन एंटी मलेरिया ड्रग इज, मलेरिया रोधी औषधि में प्रयुक्त यौगिक है। तो मलेरिया रोधी जो औषधि है उसमें जो प्रयुक्त यौगिक है वो कौन सा है? वो क्लोरोक्वीन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्लोरोक्वीन। 125 देखिए, कैल्शियम कंटेंट इज मैक्सिमम इन, कैल्शियम की मात्रा अधिकतम किस में होती है? ऑप्शन ए है बाजरा, बी मेज, सी सोरगम, डी व्हीट। तो कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक बाजरा में होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विच वॉज नॉट एन इंडस वैली साइट, कौन सी सिंधु घाटी का स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र जो है वो सिंधु घाटी इंडस वैली साइट नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। द क्रक्स ऑफ अर्ली बुद्धिज्म वाज, प्रारंभिक बौद्ध धर्म का मर्म था? ऑप्शन ए है इच्छा का परित्याग, बी कठोर तप, सी भाग्यवाद में विश्वास, डी मूर्ति पूजा। तो इसका सही आंसर होगा 127 का ऑप्शन ए, इच्छा का परित्याग इसका सही आंसर होगा। 128 देखिए, विच गुप्त रूलर वाज एन एक्सपर्ट वीणा प्लेयर, कौन सा गुप्त शासक एक दक्ष वीणा वादक था? तो समुद्रगुप्त जो था वो एक दक्ष वीणा वादक था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हु यूनाइटेड ऑल द सिक्स एंड फाउंडेड ए किंगडम इन पंजाब, किसने सभी सिखों को एकजुट किया और पंजाब में एक साम्राज्य की स्थापना की? तो महाराणा रणजीत सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को, सॉरी सिखों को एकत्रित किया और एक साम्राज्य की स्थापना की पंजाब में, महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन ए सी इसका सही आंसर होगा। 130 देखिए, वेयर डिड बाबर डाई, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए है आगरा, बी काबुल, सी लाहौर, डी दिल्ली। तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की जो मृत्यु है वो आगरा में हुई थी, बाबर डाइड एट आगरा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निशांत गार्डन वाज बिल्ट बाय, निशांत गार्डन किसने बनवाया? तो ये क्वेश्चन जो है फाइनल आंसर की में इसको स्क्रैप कर दिया गया है, और वैसे निशांत गार्डन नहीं, निशांत जो बाग थे वो किसने लगवाए थे ये क्वेश्चन है, तो इसको मैंने क्रॉस चेक किया है। तो निशांत जो बाग है वो किसने लगवाया है? शालीमार और जो निशांत बाग हैं उनको जहांगीर ने लगवाया है। तो आप ये याद रखिएगा, शालीमार और जो निशांत बाग हैं जम्मू में, उनको जहांगीर ने, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में उनको जहांगीर ने लगवाया है। हु वाज नेम्ड एज दी लिबरेटर ऑफ द प्रेस, प्रेस का परिमोचक के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए है बेंटिक, बी हेस्टिंग, सी मेटकॉफ, डी मेकॉल। तो इसका सही आंसर होगा मेटकॉफ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्रेस का परिमोचक मेटकॉफ को नामित किया गया। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, या फिर वाइस प्रेसिडेंट, या फिर प्राइम मिनिस्टर, या फिर लोकसभा स्पीकर। तो इसका सही आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी। 133 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 134 देखिए, विच इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। विच इज दी अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद का उच्चतम सदन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। ये क्वेश्चन पेपर जो है अभी 2021 में जो क्वेश्चन, सॉरी 2021 में जो पेपर हुए थे लास्ट में, उनका ये क्वेश्चन पेपर है, उनसे ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आज से 4-5 साल भी पहले भी यही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि बहुत से चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो बार बार। अगर एक वीडियो से आपको रिपीट 2-3 क्वेश्चन भी आने वाले पेपरों में देखने को मिलते हैं तो आपकी बहुत हेल्प होगी। तो इन वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो तेज़ लगी तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं, या फिर आप खुद से भी जहाँ से भी पढ़ना चाहते हैं इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़िएगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरी वीडियो देख के ही पढ़िए, लेकिन जहाँ से भी आप पढ़ना चाहते हैं, बुक से या किसी यूट्यूब से, तो वहाँ से भी ज़रूर पढ़िएगा, लेकिन इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं और होते रहेंगे।
136 देखिए, द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज लोकेटेड एट, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। वेन इट इज नून एट ग्रीनविच एट विच मेरिडियन विल इट बी 4 PM? जब ग्रीनविच पर दोपहर है तो किस यम उत्तर रेखा पर यह 4 PM होगा? तो इसका सही आंसर होगा 60 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 60 डिग्री ईस्ट। 138 देखिए, द डोल्ड्रम इज एन एरिया ऑफ, डोल्ड्रम एक क्षेत्र है, तो लो टेम्परेचर का क्षेत्र है या फिर लो प्रेशर का या फिर लो ह्यूमिडिटी का या फिर लो रेनफॉल का। तो डोल्ड्रम जो है वो कौन सा एरिया है? लो प्रेशर का एरिया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बॉन इज द कैपिटल ऑफ, ये इस क्वेश्चन को भी फाइनल आंसर की के हिसाब से स्क्रैप कर दिया गया, क्योंकि बॉन जो है वो किसी की राजधानी नहीं है। बॉन पहले जर्मनी की राजधानी थी, लेकिन अब जर्मनी की जो राजधानी है वो कौन सी है? वो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। तो ये क्वेश्चन फाइनल आंसर की के हिसाब से इसको स्क्रैप कर दिया गया। बॉन जो है एक शहर है वो जर्मनी में है, आप इतना याद रखिएगा। द वर्ल्ड हाईएस्ट हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट रोंगटोंग इज लोकेटेड इन, विश्व की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना रोंगटोंग कहाँ स्थित है? तो रोंगटोंग जो परियोजना है कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश में रोंगटोंग परियोजना स्थित है। 141 देखिए, अफ्रीका में किलिमंजारो है तो वो क्या है? माउंटेन पीक है, रिवर है, या फिर एक जनजाति है, या फिर ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। तो जो अफ्रीका में जो किलिमंजारो है वो माउंटेन पीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, पर्वत शिखर। द मेजर थर्मल पावर स्टेशन फेड ऑन नेचुरल गैस इज एट, प्राकृतिक गैस पोषित मुख्य उष्मीय शक्ति स्टेशन कहाँ है? ऑप्शन ए है दिगबोई, बी लूनेज, सी ट्रांबे, डी नहर कटिया। तो इसका सही आंसर होगा 142 का, नहर कटिया इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। फुलैच फेयर इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, फुलैच मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो फुलैच मेला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, किन्नौर जिला। 144 देखिए, इन विच प्रिंसली स्टेट डॉक्टर वाई एस परमार सर्व्स एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, किस रियासत में डॉक्टर वाई एस परमार ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया? तो सिरमौर रियासत में डॉक्टर वाई एस परमार ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज अर्न फेम फॉर इट्स रुमाल, हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने अपने रुमालों के लिए ख्याति हासिल की? तो चंबा जिले ने अपने रुमाली कला के लिए ख्याति हासिल की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, 146 देखिए, मृकुला देवी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, मृकुला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मृकुला देवी मंदिर लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सुमन रावत वॉन द परशुराम अवार्ड इन विच ईयर, सुमन रावत को किस वर्ष परशुराम अवार्ड मिला? तो परशुराम अवार्ड जो था सुमन रावत ने कब जीता था? ये 1987 में सुमन रावत ने परशुराम अवार्ड जीता था। गी इज ए फोक डांस ऑफ द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, गी हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों का लोक नृत्य है? तो गी जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के लोगों का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 149 देखिए, अर्नी यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड एट विच प्लेस इन एचपी, अर्नी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो अर्नी विश्वविद्यालय इंदौरा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विच इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसकी कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? तो उसकी कार्यकारी एजेंसी NTPC है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ HP, कुगती वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश की किस तहसील में स्थित है? तो कुगती वन्यजीव अभयारण्य भरमौर में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, भरमौर। वैन HP वॉज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड इन 1971, इट बिकेम विच स्टेट ऑफ इंडिया, जब 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा दिया गया तो यह भारत का कौन सा राज्य बना? जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तो
तो यह देश का 18वां राज्य बना था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हु इन्वेडेड कांगड़ा इन 1805 AD। 1805 ईस्वी में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया? 1805 ईस्वी में कांगड़ा पर अमर सिंह थापा ने आक्रमण किया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कांगड़ा पर अमर सिंह थापा ने आक्रमण किया था। आगे चलते हैं। दी फर्स्ट स्पीकर ऑफ HP विधानसभा वाज, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पंडित जयवंत राम थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन HPR, हिमाचल प्रदेश में कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं तो हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि हाईएस्ट 15 जो है वो 15 सीटें जो है वो कांगड़ा ज़िले में, और शिमला में जो है 8 सीटें हैं। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रिक्ट की सीटें भी याद रखनी है ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास, ब्यास का जो वैदिक नाम है वो क्या है? तो ब्यास का जो वैदिक नाम है वो अर्जी क्या है? सतुद्री जो है वो किसका है? वो सतलुज का नाम है। और कालिंदी किसका नाम है? कालिंदी यमुना का नाम है। अर्जिक्या किसका नाम है? अर्जिक्या जो है वो ब्यास का नाम है। और पुरुषनी किसका नाम है? पुरुषनी या पुरुषानी जो है वो राबिक का वैदिक नाम है। तथा संस्कृत नाम जो है वो राबिक का वो क्या है? संस्कृत नाम राबिक का ईरावती है। नेक्स्ट देखिए 157, कुनिहार वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुनिहार घाटी की बात करें तो कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो घाटियों से जुड़े क्वेश्चन भी आपको याद कर लेने हैं क्योंकि घाटियों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।